मेरा नाम जगदीश प्रसाद मीना, मैं रीजनल डायरेक्टर RDSD गांधीनगर गुजरात, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ITI जो राजकोट के अंदर भर्ती मेला चल रहा है, इस भर्ती मेला में 17 इंडस्ट्रीज ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है और इसमें लगभग 500 के करीब वैकेंसीज जो क्रिएट की गई हैं और इस वैकेंसीज के अगेंस्ट में अभी 250 के करीब बच्चे जो है उनका ऑलरेडी जो है इसमें से सिलेक्शन कर लिया गया है और बाकी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है जो कि चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये जो है करीब 450 वैकेंसी जो भी हैं ये पूरी फिलअप हो जानी चाहिए आज के उसमें। मैडम, अप्रेंटिसशिप योजना जो है, ये अप्रेंटिसशिप योजना आज अगर हम देखें तो ये कोई नई योजना नहीं है। ये 1961 में एक अप्रेंटिसशिप एक्ट बना था, 1961 से ये अप्रेंटिसशिप योजना चल रही है, परंतु इस अप्रेंटिसशिप योजना का जो प्रचार प्रसार हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में इसके ऊपर स्ट्रेस डाला था और इसके ऊपर स्ट्रेस डाल के आज स्किल इस डालने के बाद में एक अलग से एक इसके लिए मिनिस्ट्री बनाई और मिनिस्ट्री बना के बाद अप्रेंटिसशिप योजना और ITI का जो प्रमोशंस आज हुआ है, आज हर आदमी की नॉलेज में है कि ITI और अप्रेंटिसशिप योजना भी एक योजना है और इस योजना के तहत ये ITI जो है उससे भी बेटर एक अप्रेंटिसशिप योजना है जिसके अंदर बच्चा लर्निंग मतलब अर्निंग वाइल लर्निंग एक स्कीम है कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी जो है अर्निंग भी कर सकते हैं और ये उन बच्चों के लिए बहुत सूटेबल है जो बच्चे अपना मतलब पढ़ाई के दौरान अपना खर्चा नहीं कर सकते और कुछ पुअर फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें सफिशियंट एक 6-7 हज़ार रुपये का स्टाइफंड तक इसमें दिया जाता है जो अपना इवन घर का खर्च भी चला सकते हैं। अगर घर का खर्च नहीं चला सकते तो एटलीस्ट अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकते हैं, स्वयं वहन कर सकते हैं। इस भर्ती मेला करने का मेन उद्देश्य यह है कि इंडस्ट्री और कैंडिडेट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और लाके उनको आपस में एक सामंजस्य कराना होता है, वो एक भर्ती मेले का एक उद्देश्य होता है जिसमें ITI के प्रिंसिपल्स के सहयोग से एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। आज जो हमारे माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है, माननीय मंत्री जी की घोषणा के अनुसार उनका प्लान है कि वो हर महीने एक मेला करवाएंगे। गुजरात स्टेट की अगर हम अप्रेंटिसशिप स्कीम्स की बात करें तो आज जो ऑल इंडिया का जो अप्रेंटिसशिप स्कीम की जो प्रोग्रेस है उसमें गुजरात स्टेट का योगदान लगभग 1/3 योगदान है कि टोटल 3 लाख अप्रेंटिसेस आज की डेट में अगर ऑल इंडिया में लगे हैं तो इसमें से 1 लाख अकेला गुजरात जो है अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल मतलब विशेष एक्सपेक्टेशंस है गुजरात स्टेट के साथ, क्योंकि गुजरात एक मोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है और यहाँ पर हर जो है बच्चा का योगदान जो है मतलब झुकाव जो है एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ है जो कि एक्सपेक्टेशन हम, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्लान यही है कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ नौकर तैयार करने के बजाय एंटरप्रेन्योर तैयार करें और उस एंगल से यहाँ का जो पोटेंशियल है गुजरात का पोटेंशियल 1 लाख अप्रेंटिसशिप हम एंगेज करवा रहे हैं, परंतु ये पोटेंशियल लगभग 5 से 10 लाख तक जा सकता है वे अगर इसके लिए काम किया जाए तो। मारू नाम मयूर पिलोचपरा है और हूँ अमूल एडिको ग्रुप ऑफ कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट में अत्यारे काम करूँ छूँ। अमे आज ITI भर्ती मेला माटे आवेला छीए अने अमारी रिक्वायरमेंट थी कि अमे नवा एप्रेंटिस फ्रेशर स्किलवाड़ा ITI होल्डर्स ने अमे अमारी कंपनी में रिक्रूट करिए अने एमने पण बेनिफिट्स आपीए अने आ भर्ती मेला थी अमने घणो फायदो थयो छे अने घणा कैंडिडेट आव्या छे अने घणा सुटेबल थया छे, अमुक ने अमे शॉर्टलिस्ट करी अने राखी दीधा छे कि इन फ्यूचर कंई रिक्वायरमेंट आवे कंपनी में तो ए कैंडिडेट ने अमे चांस आपी शकीए। એટલે અમારી કંપની બેઝિકલી ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર સાથે કનેક્ટેડ છે, જેમ કે કનેક્ટિંગ રોડ આવે છે, વ્હીકલના ક્રેન્કશાફ્ટ આવે છે, પછી અમે ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ, ઇન્ડક્શન મોટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ, પછી રેલવે સાથે પણ અમે નવું કામ સ્ટાર્ટ કર્યું છે, જેમ કે માલગાડીની બ્રેક એસેમ્બલી અમે જનરલી અમે એક RDSO અપ્રૂવ્ડ વેન્ડર થઈ ગયા છીએ અમે, તો અમે ગ્રુપ બહુ મોટું છે અને અમે અલગ અલગ પ્રકારના એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડ સાથે કામ કરીએ છીએ અને અમે એક બીજી સીઝર્સ લિફ્ટ જે મેન્ટેનન્સ પર્પઝમાં યુઝ થાય છે એ પણ નવો પ્રોજેક્ટ અમે સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ। એટલે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને અટેન્ડ કર્યા છે અને એમાંથી ઘણા બધા અમે શોર્ટલિસ્ટ કર્યા છે, એમાંથી અમે એમને સિલેક્ટ કરીને ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ આપવાના છીએ અને ઘણો બધો ફાયદો છે, હેલ્પફુલ થયું છે। હું ભાર્ગવ મકવાણા, અમે ટોપ કેન સિસ્ટમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડથી આવીએ છીએ, મારી પોસ્ટ છે પ્લાન્ટ હેડની છે।
કંઈક કોમ્યુનિકેશન સારું કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે આઈટીએ રાજકોટ દ્વારા, અને અમને લોકોને પ્રી લિસ્ટ આપી દેવામાં આવ્યું હતું કે આટલા આટલા કેન્ડિડેટ્સ આવવાના છે. જ્યારે આજે અમે લોકો અહીં આવ્યા ત્યારે ઓલરેડી ક્લાસ અલોટેડ કરી દીધો હતો, ટાઈમ વેસ્ટ એક્ટિવિટી એક બી હતી નહીં. અને જે આપણે માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે પોતાનું એક મિશન લોન્ચ કર્યું હતું, એને રૂટ સુધી લઈ આવવા માટે, ઝાડવાના રૂટ સુધી લઈ આવવા માટેની આ એક્ટિવિટી જે આઈટીઆઈ રાજકોટે કરી છે, બહુ સારી એક્ટિવિટી છે. અહીંયા અમને લગભગ 20-25 કેન્ડિડેટનું ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનો મોકો મળ્યો. જે જે અમારી રિક્વાયરમેન્ટ હતી એના પ્રમાણે અમે લોકો એને ક્વેશ્ચન પૂછ્યા. છોકરાઓ બહુ કોન્ફિડન્ટ છે, એવું લાગે છે કે એમને ઇન્ટરવ્યૂ માટે પ્રી ઇન્ટરવ્યૂ માટે થોડીક ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવેલી છે. એવું નથી કે બસ જેને બેસાડી દીધા, કશું ભણાયું નથી બેસાડી દીધા. ઇવન આ કોવિડના હાર્ડ ટાઈમમાં બી છોકરાઓ જો એટલે રેડી થઈને આવે છે તો અમે લોકો બહુ ખુશ છીએ કે આપણું ગુજરાતનું ભવિષ્ય બહુ ઉજ્જવળ છે, અને અમે એના માટે આઈટીઆઈનો આભાર માનીએ છીએ. થેન્ક યુ. અને ત્યાં ભણતર પણ સારું હતું અને ઇઝી પ્લેસમેન્ટ થઈ ગયું હતું, તેના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અત્યારે ટોપ ક્રેન કંપનીમાં મારું પ્રાઇમરી સિલેક્શન થઈ ગયેલ છે અને કાલે મારે ઇન્ટરવ્યૂ માટે જવાનું છે. પ્રોસેસ બહુ ઇઝી છે, બહુ કંઈ ખાસ છે નહીં, આપણે બધું સિલેક્શન થઈ જાય એમ છે. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબતકની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઈક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબતક સાથે.